अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ पालक और प्याज के पराठे। तो उसके लिए हमें चाहिए प्याज, स्लाइस में काट लिया मैंने, पालक चाहिए उसको भी मैंने काट लिया, मोज़रेला चीज़ चाहिए और मक्खन। तो रोटी मैंने बेल ली है, रोटी आपने बड़ी सी बेल लेनी है। और आटा गूंथते वक्त मैंने रोटी आटे में अजवाइन डाल दी थी। फिर इसके ऊपर फिर हम डालेंगे घी। घी को हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरे रोटी के ऊपर। बिल्कुल अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे पालक। फिलिंग जो हम करेंगे ये बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, थोड़ी नॉर्मल सी डालेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा भर देंगे तो ये पेड़ा बनाते वक्त पूरा पेड़ा फट जाता है। तो ये मैंने पालक डाल दी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे प्याज जो मैंने स्लाइस में काट दी थी। तो जी अब उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ा ज़्यादा डालना चाहते हैं ज़्यादा डालें, कम डालना चाहते हैं कम डालें। तो चाट मसाला डाल दिया ऊपर। अब हम इसके एक सेंटर से कट लगाएंगे। और एक साइड से हम इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे। इसी तरह फोल्ड करते 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 ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे और इसी तरह फोल्ड करते 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 हम बिल्कुल एंड तक आ जाएंगे। उसके बाद आपने इसके ऊपर खुश्क आटा लगाना है। फिर इसको इस तरह रख के ऊपर से हम दबा देंगे। ये पेड़ा बन गया है। तो ये हमने सिंपल पेड़ा बनाया है। अब मैं आपको सिखाऊंगी चीज़ वाला पेड़ा बनाना। सिंपल ऐसे ही है जैसे हमने पहला पेड़ा बनाया था। पालक डाल दी थी, चाट मसाला डाला है, प्याज डाली है, बस इसमें ऑप्शनल है कि चीज़ हमने डाल दी है। वो विदाउट चीज़ था, इसमें हमने मोज़रेला चीज़ डाल दी है। फिर इसी तरह हम इसको रोल करके और दबा देंगे तो ये चीज़ वाला पेड़ा बन जाएगा हमारा। तो आपकी मर्ज़ी, आप सादा खाना चाहते हैं सादा बनाएं और चीज़ वाला खाना चाहते हैं तो चीज़ वाला बनाएं। तो हमने बेल कर तवे पर डाल दिया है। फिर हम इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको पका लेंगे जैसे हम पराठा बनाते हैं नॉर्मली। तो जी ये है हमारी फाइनल लुक। इसके ऊपर हमने बटर लगा दिया है, पूरा बटर को स्प्रेड कर लेंगे। और ये पराठा आप लोग खाएं नमकीन लस्सी के साथ, मज़ा आ जाएगा। ये मेरी खाला की रेसिपी है, उन्होंने मुझे बताया है कि ये कैसे बनता है, उन्हीं की रेसिपी है, इजाद की हुई। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जल्दी बनाने वाली रेसिपी है। तो आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। और कैसी बनी है, मैंने भी ट्राई की थी, मुझे भी तो बहुत मज़े की लगी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी बनी है। और अगर मेरी चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।